हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का निर्माण एजुकेशनल इंडिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर का एक महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखें। जो भी सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा है, इस साल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए तो ये रामबाण है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए इसको, केवल सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मात्र पूरे वीडियो में 10-12 क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग पढ़ लीजिएगा तो बेहिचक निस्संदेह आपका कोर्स 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और इसका आनंद उठाइए। देखिए, पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारक एवं इसके महत्व का वर्णन करना है। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हमारा करिकुलम होता है उसके विभिन्न निर्धारक एवं इसके महत्व का वर्णन करना है, यानी निर्धारक तत्व क्या है, ये किससे निर्धारित होता है, किससे किन कौन ऐसा फैक्टर्स है जिसे ये प्रभावित होता है, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग तो शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना देना रहता है, उसके बारे में समझना रहता है, तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्रस्तावना में देखिए क्या होगा। किसी भी प्रभावशाली शिक्षण के करिकुलम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि कोई भी करिकुलम हो, ठीक है, अगर उसको प्रभावशाली ढंग से बनाना है तो उसके लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, करिकुलम के एक बढ़िया ढंग से करिकुलम निर्माता को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी प्रभावशाली शिक्षण के लिए करिकुलम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यानी अगर टीचिंग मेथड को, मतलब टीचर यदि शिक्षण करा रहा है तो करिकुलम के माध्यम से ही क्या होगा, वो प्रभावशाली हो पाएगा। पाठ्यचर्या शिक्षा प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। यानी हमारा जो करिकुलम होता है वो टीचिंग प्रोसेस का क्या होता है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। आप लोग फर्स्ट ईयर में जॉन डीवी का भी पढ़े होंगे, त्रिधुरीय सिद्धांत, तो उसमें क्या था, उसमें टीचर इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ आपको उसके साथ क्या है, करिकुलम भी इम्पोर्टेंट है। यानी ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अब इसको हम लोग समझेंगे। पाठ्यचर्या के अभाव में शिक्षा प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि करिकुलम नहीं रहे तो सुचारू रूप से शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए, इसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पाठ्यचर्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने का महत्वपूर्ण एवं सशक्त माध्यम है। अगर करिकुलम नहीं रहे तो हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है कभी सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि करिकुलम के माध्यम से ही एक टीचर और स्टूडेंट में क्या होता है, एक कड़ी का काम करता है एक करिकुलम, और ये जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या होता है, सुचारू रूप से चल पाता है। अतः निश्चित है कि पाठ्यचर्या ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अब हम निस्संदेह कह सकते हैं कि करिकुलम ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। यानी करिकुलम के सहायता से ही अभी हम लोग, मतलब अभी जो भी बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट का क्या उद्देश्य है, सबका एक ही उद्देश्य है कि भाई हमें बीएड पास करना है, और केवल पास ही नहीं करना है बल्कि अच्छे मार्क्स से पास करना है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, बीएड का हमको सिलेबस देखना पड़ेगा, उसका सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो उस क्वेश्चंस का आंसर कहाँ ढूंढेंगे, तो करिकुलम, तो अकॉर्डिंग टू करिकुलम ही पाठ्य पुस्तक तैयार किया जाता है, और उसी को पढ़ के हम क्या करते हैं, ज्ञान हासिल करते हैं। तो इस प्रकार करिकुलम ही है जिसके द्वारा विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, ठीक है। अब करिकुलम है कि बन गया कि सेकेंड ईयर में आपको कोर्स 8, कोर्स 9, कोर्स 10, 11 पढ़ना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पाठ्य पुस्तकों का सहारा लेते हैं, और हमारा जो यूनिवर्सिटी है मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी, हम लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही क्या करता है, रिपीट करता है। यानी वन साल बैक, एक साल छोड़ के एक साल का बैक, मतलब वही पूछता है। तो इसमें तो एग्ज़ाम में मात्र आप 10 क्वेश्चन पढ़ के जाइए, एकदम पक्का है, श्योर है, 5 बना के आ जाइएगा।
तो उसी हिसाब से वीडियो तैयार किया गया है। तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा, जिससे हम जितना सेकेंड ईयर का इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नोट बनाएंगे आप तक पहुँच पाएगा और जिसका आप लोग फ़ायदा उठा पाएंगे, खासकर जो बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनका किस काम का है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तब देखिए इसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और साथ ही बालक का बहुमुखी विकास होता है। तो करिकुलम के द्वारा क्या होता है, बालक का बहुमुखी विकास भी होता है। अब इसके हम लोग मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारकों के निर्धारित किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था कि पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारक तत्वों का मतलब वर्णन कीजिए। तो देखिए यहाँ विभिन्न निर्धारक तत्वों में क्या क्या आएंगे, इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिए। अब बीएड में पता ही है आप लोग को, कॉपी सही से बीएड में ही क्या, बीए में ही, बीए एमए या बीएड एमएड सब में कॉपी पे उतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि मैट्रिक की तरह आपका लाइन बाई लाइन चेक करें, ठीक है। कॉपी ज़्यादा रहता है, पूरा कॉपी को चेक करना रहता है, तो इसीलिए एग्जामिनर बस आपको प्रस्तावना पे ध्यान देगा और आपके जो पॉइंट आप लिखे रहेंगे उस पे ध्यान देगा। बीच में आप आम इमली कुछ भी अपना जोड़ जाड़ के उसी से संबंधित इतना तो दिमाग है कि आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बीएड कर रहा होगा वो आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड करता है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन के पास इतना बाद इतना तो मतलब हर किसी के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाता है कि किसी भी टॉपिक को है वो लिख सके उसके बारे में। तो इसमें क्या है, मेन पॉइंट याद रहना चाहिए। अब पॉइंट बहुत ही सजीलो है, जो आप लोग एक बार पढ़िएगा जहन में बैठ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि बस आप लोगों को पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, केवल वीडियो सुना कीजिए और सुनते सुनते आप काम भी अपना कीजिए, घर का जो हाउस वाइफ है घर का काम कर रही है, चाहे किसी को मानिए कि हेल्प करना पड़ता है, दुकान वकान होगा, बस वीडियो सुनिए आपको याद हो जाएगा। एकदम बुक लेकर नहीं बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो नोट्स बनाया गया बहुत ही मेहनत के बाद बनाया गया है, क्योंकि खुद से मैं तैयार की हूँ नोट्स। तो यहाँ पे देखिए आप लोग समझिए पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारक तत्व क्या क्या है। देखिए एक है सामाजिक, क्या है सामाजिक, एक है सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सांस्कृतिक, चौथा है भौगोलिक और पाँचवा है आर्थिक। देखिए कितना है, 5 फैक्टर है, कितना है 5 फैक्टर है। करिकुलम के विभिन्न फैक्टर्स कौन कौन है, कौन कौन है, एक आपको है सामाजिक विभिन्नता, राजनीतिक विभिन्नता, सांस्कृतिक विभिन्नता, भौगोलिक विभिन्नता, आर्थिक विभिन्नता, ठीक है। सामाजिक विभिन्नता में होता है सोशल डाइवर्सिटी, राजनीतिक विभिन्नता होता है पॉलिटिकल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विभिन्नता में होता है कल्चरल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विभिन्नता में होता है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और आर्थिक विभिन्नता में होता है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब आपको याद हो गया कितना है, 5 है, कितना फैक्टर्स है, 5 है। फर्स्ट है आपको समाज से संबंधित, सेकेंड है आपको पॉलिटिक्स से संबंधित, थर्ड है आपको कल्चर से संबंधित, फोर्थ है आपको ज्योग्राफी से संबंधित, फिफ्थ है आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित। तो आपको फर्स्ट हो गया सामाजिक विभिन्नता, सेकेंड हो गया राजनीतिक विभिन्नता, थर्ड हो गया सांस्कृतिक विभिन्नता, फोर हो गया भौगोलिक विभिन्नता और 5 हो गया आर्थिक विभिन्नता। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सामाजिक विभिन्नता को सोशल डाइवर्सिटी, राजनीतिक विभिन्नता को पॉलिटिकल डाइवर्सिटी और सांस्कृतिक विभिन्नता को कल्चरल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विभिन्नता को ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी और आर्थिक विविधता को क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, ठीक है। सब क्या है, विविधता है, जो हमारे करिकुलम का क्या करता है, इफेक्टेड करता है, प्रभावित करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे सामाजिक विभिन्नता, क्या पढ़ेंगे सामाजिक विभिन्नता को, इसको मतलब थोड़ा सा इसके बारे में क्लेरिफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। देखिए सामाजिक विभिन्नता मतलब कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पाठ्यचर्या का निर्धारण उस सामाजिक आर्थिक स्थिति से अलग करके नहीं किया जा सकता, इसीलिए कुछ विद्वान पाठ्यचर्या को एक सामाजिक प्रणाली कहना ठीक समझते हैं। देखिए यदि पाठ्यचर्या कोई निर्माता है और पाठ्यचर्या का निर्माण कर रहा है, करिकुलम का निर्माण कर रहा है, तो क्या करेगा, वो जहाँ के लिए तैयार कर रहा है वहाँ के सोशल फैक्टर को भी देखेगा, ये नहीं कि वहाँ के सामाजिक जो विभिन्नता है उसको इग्नोर करके चलेगा। तो इसीलिए बहुत से समाजशास्त्री हैं जो कहते हैं कि इसको सामाजिक प्रणाली कहना भी क्या रहेगा, उचित रहेगा,
मतलब पाठ्यचर्या का निर्धारण उस सामाजिक आर्थिक स्थिति से अलग करके नहीं किया जा सकता, यानी वहाँ का क्या समाज है, वहाँ की क्या आर्थिक स्थिति है, इससे अलग नहीं उसको देखा जा सकता। इसीलिए कुछ विद्वान पाठ्यचर्या को क्या कहते हैं, एक सामाजिक प्रणाली कहते हैं। यानी कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि पाठ्यचर्या एक सामाजिक प्रणाली भी है जिसे समाज शास्त्र की सहायता से ही समझा जा सकता है। जिसे अब भाई सामाजिक प्रणाली है तो सामाजिक प्रणाली का तो जाहिर सी बात है उसमें समाज शास्त्र ही हमारा मदद करेगा। यानी उसको कैसे समझेंगे, समाज शास्त्र की सहायता से ही समझेंगे। समाज शास्त्री पाठ्यचर्या का मूल्यांकन भी करता है। समाज शास्त्री क्या करते हैं, जो हमारा करिकुलम होता है उसका मूल्यांकन भी करते हैं तथा इसके मार्ग में आने वाली बाधाओं के निदान में सहायता प्रदान करते हैं। देखिए जो हमारे समाजशास्त्री हैं तो भाई वो समाज के बारे में ही अन्वेषण करेंगे ना, और जब अन्वेषण करेंगे तो वो करिकुलम में क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे कमी है और जहाँ पे कमी होगा और उसमें क्या करेंगे, उसका निदान करेंगे। अगर बाधाएं हैं तो उसको दूर करेंगे, ऐसा काम मतलब उसको राय देंगे कि भाई ऐसा पाठ्यचर्या निर्माण कीजिए यहाँ का, तो जो जहाँ जैसा देश रहता है वैसा भेष रहता है, तो वैसे ही जैसा देश रहेगा वैसा वहाँ का समाज रहेगा, वैसा वहाँ का करिकुलम तैयार किया जाएगा। इस प्रकार समाजशास्त्र इस तथ्य का बोध कराता है कि पाठ्यचर्या वह साधन है जिसके माध्यम से विद्यालय सामाजिक लक्ष्यों के तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। अतः पाठ्यचर्या का केवल शैक्षिक ही नहीं सामाजिक महत्व भी है। यहाँ पे समाजशास्त्री चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि पाठ्यचर्या निर्माण करने वालों समाज मतलब सामाजिक फैक्टर को भी ध्यान में रखो और सामाजिक लक्ष्य को भी उसमें रखो कि बच्चे अपने सामाजिक स्थितियों से अवगत हो पाए। करिकुलम निर्माण करते समय कम से कम वहाँ की सामाजिक स्थितियों का भी मतलब केयर ध्यान रखना चाहिए, ये नहीं कि कैसे भी कहीं का करिकुलम तैयार कर दिया जाए। अतः पाठ्यचर्या का केवल शैक्षिक ही नहीं सामाजिक महत्व भी है। इस प्रकार समाजशास्त्रियों मतलब उनका कहना है कि पाठ्यचर्या अगर एजुकेशन लाइन में यूज होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि इसका केवल मतलब शैक्षिक ही महत्व है, केवल शिक्षक का ही इसका दायित्व है, बल्कि इसका सोशल भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा समाजशास्त्रियों को मानना है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक के बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे, राजनीतिक विभिन्नता यानी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी। देखिए पॉलिटिकल डाइवर्सिटी क्या है, हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय समाज में राजनीतिक रूप से विभिन्नता पाई जाती है। देखिए इस बात से हम लोग अच्छी तरह से अवगत है कि हमारा जो इंडियन सोसाइटी है इसमें राजनीतिक रूप से भी असमानता विभिन्नता डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए राजनीतिक में क्या है, कोई है तो साम्यवाद को मानता है, कोई समाजवाद को, तो कोई मार्क्सवाद को, जैसी विचारधाराओं का मिला जुला स्वरूप देखने को मिलता है। वही मुख्य रूप से लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है। देखिए हमारे देश में भले लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है लेकिन राजनीतिक पार्टियों में भी देखिए ना कितना प्रकार का आता है। आप लोग मतलब जैसे देखिए यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ लोग साम्यवाद समाजवाद मार्क्सवाद जैसे विचारधाराओं का भी समर्थन करते हैं। अभी देखिए अनेक राजनीतिक पार्टियाँ हैं जैसे बीजेपी है जिसका भी केंद्र में मतलब सरकार है, फिर आपको नेशनल लेवल की पार्टी जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गया, तो फिर आपको एक फिर आपको देखिए JDU हो गया, फिर आपको मतलब अनेक ये पार्टियां है, ठीक है, तो अनेक जो ये पार्टियां है समाजवादी पार्टी है, तो मतलब कितना पॉलिटिकल पार्टी है, तो पॉलिटिकल विचारधारा भी तो अलग अलग होगा। तो आज के युग में लोकतंत्र समाज की पहली आवश्यकता देखिए, लेकिन आज का जो हमारा मतलब युग है यहाँ पर लोकतंत्र को सभी देश अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और हर देश चाहता है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरह अपनाया जाए। और ख़ासकर हमारा जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ का संविधान भी सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा लोग कि सबसे पहले लोकतंत्र कोई देश हुआ था तो वो था अमेरिका, और सबसे बड़ा कोई लोकतांत्रिक देश है तो वो हमारा भारत। तो इस प्रकार भारत भी चाहता है कि लोकतांत्रिक मतलब का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसा देश जहाँ पे समानता एवं न्याय हो। अगर समानता और न्याय नहीं हो तो कैसा लोकतांत्रिक देश, कोई लोकतांत्रिक देश नहीं। समानता और न्याय के अभाव में कोई देश लोकतांत्रिक हो कर भी लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। तो लोकतांत्रिक का मतलब ही होता है जनता का शासन और समानता एवं
न्याय होना चाहिए वैसे देश में। तो आज के युग में लोकतंत्र समाज की पहली आवश्यकता है, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक आधार पर पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। इसीलिए हमारा भारत जो है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ पर हमारा जो पाठ्यचर्या होना चाहिए कैसा होना चाहिए, हमारा पाठ्यचर्या उसी पर आधारित होना चाहिए, उसमें भी समानता और न्याय होना चाहिए। तो इसका ध्यान कौन रखेगा, पाठ्यचर्या निर्माता रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग समझेंगे विविधता। विविधता पर आधारित विस्तारवादी नीति पर आधारित बाल केंद्रित लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। देखिए इसमें समझाया गया है कि हमारा जो करिकुलम होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, वो मतलब संकुचित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें विस्तारवादी नीति भी होना चाहिए, उसमें चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, और उसका जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भी क्या फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ऐसा करिकुलम होना चाहिए कि उसमें सख्ता से नहीं होना चाहिए कि भाई जो रूल लागू हो गया हो गया, बल्कि करिकुलम में क्या होना चाहिए, समय समय पर मतलब युग के अनुसार उसमें परिवर्तन भी होना चाहिए। अब सेकेंड नंबर में समझेंगे लोगों की आवश्यकताओं में जीवन आधारित होना चाहिए, और हमारा जो करिकुलम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, लोगों के जीवन से भी संबंधित होना चाहिए। अगर करिकुलम लोगों के जीवन से संबंधित नहीं है तो करिकुलम का हमारे जीवन में कोई मूल्य ही नहीं है। और थर्ड नंबर हम लोग समझेंगे पाठ्यचर्या लचीला होना चाहिए, यानी हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। और फोर नंबर समझेंगे पाठ्यचर्या को छात्रों की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला भी होना चाहिए। देखिए हमारा जो करिकुलम होना चाहिए छात्रों की व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला भी होना चाहिए। देखिए इसके समर्थक हमारे महात्मा गांधी भी थे, स्वामी विवेकानंद भी थे, उन लोगों का भी कहना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपना रोजी रोटी भी चला सकें। अब हम बहुत पढ़ लिया, घर का लभूखे मर रहा, एक रुपया नहीं कमा सकते हैं, तो वो करिकुलम किस मतलब काम का। तो हमारा शिक्षा कैसा होना चाहिए जिससे हम अपना रोटी कपड़ा मकान की भी पूर्ति कर पाए, ऐसा होना चाहिए। तो उसी हिसाब से तो करिकुलम निर्माता को करिकुलम भी बनाना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड नंबर टॉपिक पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। थर्ड नंबर टॉपिक है सांस्कृतिक विभिन्नता, कल्चरल डाइवर्सिटी। यह आवश्यक है कि सामाजिक सांस्कृतिक संसार के अनुभवों को भी पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए हमारे विद्वानों का क्या कहना है कि यह बहुत आवश्यक है कि हमारा जो सामाजिक सांस्कृतिक संसार है, यहाँ के जो अनुभव है उसको भी पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। मतलब हमारा जो करिकुलम तैयार किया जाए उसमें संस्कृति को भी ध्यान में रखा जाए। एक स्वदेशी भारतीय पाठ्यचर्या देश के प्रमुख विचारकों जैसे श्री अरविंद विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन आदि के विचारों के अनुरूप होना चाहिए। देखिए यह कैसी विडंबना है, हम न्यूटन के बारे में तो जानते हैं परंतु आर्यभट्ट के बारे में नहीं जानते। देखिए हमारे विद्वानों का कहना है कि जो हमारा करिकुलम तैयार किया जाना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे जो बच्चे हैं, और मैंने कि अभी तक तो महात्मा गांधी नहीं है, ना ही स्वामी विवेकानंद है, ना ही मतलब जाकिर हुसैन है, लेकिन उनके विचार क्या थे, बहुत महान थे। तो हमारे करिकुलम निर्माता को इन महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके क्या महान महान विचार थे जो हम नवयुवकों को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, उनके विचारों को रखना चाहिए कि हमें भी उनकी जीवनी को पढ़ के अपने जीवन में क्या उत्तेजना भर जाए, हम भी एक्साइटेड हो जाए कि हाँ वे लोग इतना स्ट्रगल की अपने लाइफ में तो हमें भी करना चाहिए, हमारे भी जीवन में क्या हो, वे प्रेरणा स्रोत हो। तो उनमें क्या है, मतलब जो भी महान महान व्यक्ति हुए हैं उनके सारे विचारों रहना चाहिए, जैसे अरविंद घोष, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन आदि के विचारों के अनुरूप होना चाहिए। और भी है, जैसे माने कि हमारे जो मतलब हमारे जो हिस्ट्री में पढ़ना है कि कैसे पहले स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था, तो कैसे जो बंगाल की रासुंदरी देवी थी चुरा के एकदम उस समय मतलब लैंटेन होता था ना, लैंटेन जला के पढ़ती थी। आ देखिए खुद पढ़ के उन्होंने आमिर जीवन बंगला में ही, वो पहली ऐसी औरत है जो अपनी प्रथम मतलब अपना अपना जीवनी, अपना मतलब आत्मकथा लिखी है, खुद से लिखी है। उनका नाम क्या है रास सुंदरी देवी। आज भी इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया है कि कितनी स्ट्रगल की हैं। उसी तरह आपको जो महाराष्ट्र की थी उनका भी नाम आता है, महाराष्ट्र की
उनका उनका भी नाम आता है वहाँ का, मतलब बहुत ऐसी उस समय औरतें हुई जो अपना भूमिका निभाई थी इसमें, ठीक है अभी को समझेंगे। अब आगे देखिए, अब देखिए इसमें एक और बात को हमारे, मतलब हमारे जो विद्वान हैं उन लोग के मन में दुख की बात है कि हमारा जो देश है भारत, यह भी इतने महान लोग हैं फिर भी उन महान लोगों के बारे में क्या है हमारे बच्चों को नहीं पता है, लेकिन उनके बाद जो सिद्धांत पता है, बताइए न्यूटन के बारे में सभी को पता है लेकिन आर्यभट्ट के बारे में नहीं पता है, बताइए हमारे आर्यभट्ट महोदय जी बहुत पहले इन्होंने, इनको क्या शून्य का खोजकर्ता माना जाता है, इन्होंने अपने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था, उस समय कोई दूरबीन नहीं था, कि सूर्य जो क्या है एक ही जगह पर स्थिर है और गोल गोल कौन चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी लगा रही है, पृथ्वी घूमती है, ऐसा आर्यभट्ट महाराज ने बहुत पहले आर्यभट्ट महोदय ने बोल दिया था। देखिए कंप्यूटर के विषय में तो जानते हैं परंतु शून्य की अवधारणा के उद्भव और दशमलव प्रणाली के विषय में कुछ नहीं जानते। देखिए हमारे विद्वानों का कहना है कि आज का युग जो कंप्यूटर का युग है सभी बच्चे जानते हैं, कंप्यूटर चार्ल्स बैबेज इसका आविष्कारक है, लेकिन ये नहीं पता है कि कोई भी अंक कोई भी डिजिट का शुरुआत शून्य से होता है, तो आखिर शून्य का आविष्कारक कौन है, तो हमारे आर्यभट्ट जी है। आखिर दशमलव प्रणाली किसने दिया, पाई का मान किसने दिया, सब आर्यभट्ट महोदय जी ने दिया, तो देखिए ये सब नहीं जानते हैं, तो इसमें किसकी किसकी गलती है, करिकुलम की ना गलती है, करिकुलम निर्माताओं क्योंकि अगर बढ़िया से बनाते तो हमारे बच्चे तो कम से कम अपने देश के महापुरुषों से तो अवगत हो पाते, अतः देश की पाठ्यचर्या में इन सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की कमियों की असंतुलन को ठीक करना होगा, इसलिए हमारे विद्वानों का कहना है कि जो अनबैलेंस है इनको दूर करना होगा, अतः आवश्यक है कि सामाजिक सांस्कृतिक संसार के अनुभव को भी पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया जाए। उनका कहना है कि ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारे करिकुलम में जो सोशल कल्चरल जो संसार है उसके जो अनुभव है उसको भी हमारे करिकुलम में शामिल किया जाए। विद्यालय ज्ञान व दृष्टि भी दे सकती है जिसके द्वारा बच्चे सामाजिक संदर्भों की यथार्थता एवं आलोचनात्मक समझ को विकसित कर पाते हैं। देखिए करिकुलम हमारा जो है तो उसकी खासियत है कि मतलब उसमें हमारे सोशल कल्चर संसार के अनुभवों को भी उसमें जगह दिया जाना चाहिए। विद्यालय ज्ञान दृष्टि भी, देखिए विद्यालय ज्ञान वह दृष्टि भी दे सकता है जिसके द्वारा बच्चे सामाजिक संदर्भों की यथार्थता एवं आलोचनात्मक समझ विकसित कर पाते हैं। देखिए लाख हमारे परिवार में अनौपचारिक शिक्षा मिलता है चाहे दोस्तों से मिलता है, लेकिन क्यों कहा जाता है कि भाई बच्चों को विद्यालय भेजना चाहिए, इसीलिए कि वहाँ पे औपचारिक शिक्षा मिलती है, वहाँ पे फिक्स टाइम होता है और वहाँ पे क्या होता है, हर पेरेंट्स को ये उम्मीद रहता है कि हमारे बच्चे जाएंगे तो उनका सर्वांगीण विकास होगा और सामाजिक संदर्भों की यथार्थता एवं आलोचनात्मक समझ को भी विकसित कर पाएंगे। अब देखिए फोर नंबर हम लोग समझेंगे भौगोलिक विभिन्नता आखिर मतलब कैसे हमारे करिकुलम को प्रभावित करता है और इस असंतुलन को कैसे पाठ्यचर्या निर्माताओं को दूर करना चाहिए, इसको आज हम लोग समझेंगे। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देख लीजिए, पाठ्यचर्या के निर्धारण में भौगोलिक कारकों को भी देखना महत्वपूर्ण होता है। यदि पाठ्यचर्या के अधिगम द्वारा शिक्षार्थी को अपने सामुदायिक जीवन से जोड़ना है तो उसे अपने भौगोलिक कारकों की ओर भी ध्यान देना होगा। भौगोलिक कारकों की दृष्टि से किसी भी देश की आर्थिक प्रकृति उसके इसके क्षेत्र जलवायु प्राकृतिक संसाधन एवं उत्पादन की उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि हमारे जो करिकुलम निर्माता है उनको भौगोलिक डाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। भौगोलिक डाइवर्सिटी में आप देख सकते हैं लद्दाख में देख लीजिए कितना बर्फ जमा रहता है, वहाँ के लोग कैसे बर्फ को कैसे मतलब पिघलने के इंतजार करते हैं जिसका पीने के रूप में लोग यूज करते हैं, इसीलिए उसको शीत रेगिस्तान कहा जाता है लद्दाख को। वहीं चले जाइए आप जैसलमेर राजस्थान में तो वहाँ पे ना मात्र का बारिश होता है, किसी किसी साल तो बिल्कुल बारिश ही नहीं होता है, इतना गर्मी पूरा रेगिस्तान। और वहीं पे देखिए कितना डाइवर्सिटी है, वहीं चले जाइए आप लोग यहाँ गारो खासी की पहाड़ियाँ, असम चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, फिर आप लोग केरल तमिलनाडु जाइए, खुद हम लोग का जो इंडिया कंट्री है यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार की जलवायु है, तो क्या यहाँ विभिन्न प्रकार की जलवायु है तो एक ही प्रकार के करिकुलम से मतलब काम चलेगा, नहीं। हाँ
पाठ्यचर्या निर्माता को ऐसा करिकुलम बनाना पड़ेगा कि लद्दाख के लिए बनाए तो वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक मतलब भावनाओं को ठेस न पहुँचे, बल्कि उनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बनाया जाए, उनकी उनकी जो वहाँ की क्षेत्रीय नाटक है, गीत है, उसको प्रधानता दी जाए। मतलब जहाँ का करिकुलम बनाया जाए वहाँ की भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाए। जैसे सामाजिक को रखना है, सामाजिक स्थिति को, सांस्कृतिक स्थिति को ध्यान में रखना है, वैसे क्या करना है, ज्योग्राफिकल फैक्टर को भी ध्यान में रखना है। अब देखिए आगे इसमें हम लोग समझेंगे प्रत्येक स्थान का। देखिए इसमें देखिए समझिए, प्रत्येक स्थान का अपना एक अलग भूगोल होता है। देखिए हर जगह का अपना अलग भूगोल होता है। अभी हम लोग बात किए हैं ना, लद्दाख में जाइए कितना बर्फ जम जाता है, कितना ठंडा पड़ता है। वहीं चले जाइए आप वहाँ पे राजस्थान में तो कितना गर्मी है, वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण दूसरे स्थानों से भिन्न होता है, एकदम भिन्न है। कहीं पर ठंड अधिक होती है तो कहीं पर गर्म होती है। वहीं देख लीजिए लद्दाख में ठंड है तो राजस्थान में गर्मी है, राजस्थान में बारिश नहीं होती है, और वहाँ पे जाके देखिए मेघालय में दिन रात चेरापूंजी में बारिश होता रहता है। अभी का जो सीजन देख लीजिए आषाढ़ सावन भादों का, पूरा बिहार यूपी में बाढ़ आ रहा है, वहीं राजस्थान में लोग पानी के लिए तरस रहा है। बताइए कैसी विडम्बना है, एक ही देश में कहीं पे पानी से बाढ़ आ रहा है, कहीं पानी के लिए आफत है। तो ये सब क्या है, भौगोलिक ये डाइवर्सिटी है। तो देखिए तो वही कहा जा रहा है, कहीं पे अधिक गर्म, कहीं पे ठंडी, कहीं पे बारिश, कहीं पे ना मात्र का कुछ भी नहीं। तो यदि देश कृषि प्रधान है तो उसकी शिक्षा प्रणाली में कृषि पर जोर दिया जाना चाहिए। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 6.5 लाख गाँव है और यहाँ का अधिक जनसंख्या कृषि पर ही, 50% से ज़्यादा जनसंख्या, लगभग 60-65% लोग कृषि पर ही डिपेंड है। लेकिन आजकल शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग शहर की ओर मतलब जा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दे रहे हैं, फिर भी भाई कृषि प्रधान है तो बिना कृषि के काम तो चलेगा नहीं। तो इसीलिए हमारा जो करिकुलम होना चाहिए उसमें कृषि के बारे में भी होना चाहिए, जिससे अमेरिका की तरह हमारे यहाँ के बच्चे भी पढ़ने के बाद कृषि को हीन दृष्टि से ना देखे कि अरे हम कृषि करेंगे पढ़ लिख के, नहीं, बल्कि वो भी वैज्ञानिक तरीके से कृषि करे। और अधिक से अधिक कृषि प्रधान हम लोग नसीब वाले हैं कि हमारे यहाँ की जो यहाँ की भूमि है कृषि योग्य भूमि है और उस भूमि का फायदा उठाए। देखिए यहाँ पे भारत आज भी मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, ये तो हम लोग जान चुके हैं। भारत की एक बड़ी जनसंख्या आज भी अपनी जीविका निर्वाह हेतु कृषि पर निर्भर करती है। देखिए हमारा जो मतलब देश की जो जनसंख्या है उसमें आज भी क्या होता है, मतलब आधा से ज़्यादा क्या होते हैं कृषि पर निर्भर हैं। तो स्वाभाविक रूप से भूगोल की पाठ्यचर्या के निर्धारण में वहाँ के परिवार से संबंधित बातों का समावेश होना चाहिए। देखिए इस प्रकार जब ज्योग्राफी का मतलब तैयार किया जाए, ज्योग्राफी जैसे मतलब इसका करिकुलम तैयार किया जाए, तो करिकुलम निर्माता का ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम भूगोल में इन सारे बातों का समावेश करें। और मतलब जैसे कोई करिकुलम तैयार करना है मेघालय का, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ उसी हिसाब के फसल के बारे में तो बताया जाएगा कि वहाँ पर किस टाइप का फसल का मतलब खेती होना चाहिए। वहीं पर देख लीजिए हमारे यूपी बिहार में बारिश भी होती है, गर्मी भी होता है, तो यहाँ को कैसा मतलब यहाँ के लोगों को फसल उगाना चाहिए। अगर ये सब बातों का ध्यान रहेगा तो क्या होगा, हमारे कृषि में दिन रात क्या होगी इसमें वृद्धि होगी। अतः यदि पाठ्यचर्या निर्माण के समय देश की भौगोलिक विभिन्नता को ध्यान में रखा जाएगा तब किसी भी देश का रहने वाला बालक अन्य क्षेत्रों के देशों के भूगोल की जानकारी अपने आप प्राप्त कर लेगा। भूगोल के साथ साथ वहां का रहन सहन, खान पान, पहनावा, बोली, मुख्य पहाड़ों, नदियाँ, रेगिस्तानों, ज्वालामुखी आदि के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकता है। देखिए अगर जैसे हम लोग का जैसे जहाँ का करिकुलम है, हम लोग का हर जगह का अलग अलग भौगोलिक मतलब स्थिति है, अगर इन बातों को समावेश किया जाए करिकुलम में तो कहीं का भी लोग क्या हुआ है उस बात को जान पाएगा। बताइए हम लद्दाख कभी नहीं गए हैं, लेकिन हम कैसे जानते हैं कि वहाँ का मतलब बर्फ़ जमा रहता है, वहाँ किसी तरह रेगिस्तान बोला जाता है, राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, चूँकि हम पढ़े हैं बुक में, तो आखिर कहीं ना कहीं करिकुलम का रोल है, तभी तो हमें पता चल पाया है। तो ऐसा ही हमारा करिकुलम होना चाहिए जिससे हम हर जगह के पहाड़ों के बारे में, अब बताइए पहाड़ के भी बारे में हमें पता चल जाता है कि अगर हम पूर्व में जा रहा है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश से क्या है, बहुत पहाड़ी इलाका है, चाहे फिर उत्तराखंड जाइए उधर पहाड़ी इलाका ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे यूपी बिहार में आइए तो यहाँ पे क्या समतल भाग ज़्यादा देखने को मिलेंगे, राजस्थान में जाइए तो वहाँ पे राजस्थान में मतलब रेगिस्तान मिलेगा, पहनावा ओढ़ावा भी पता चलता है कैसे, गुजरात का अलग है, लद्दाख का अलग है और चेन्नई का अलग है।
तो कहने का सेंस है कहीं ना कहीं करिकुलम के द्वारा ही तो मतलब ये सब शामिल किया गया है, तो इसके बारे में हमें पता चल पाएगा। देखिए आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं में बालकों के विभिन्न स्थानों का भी भ्रमण कराया जा सकता है, जिसके द्वारा बालक बहुत कुछ देखकर भी सीख लेते हैं। देखिए इसी पीरियड में जब बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो नहीं कहा जाता है कि थोड़ा भ्रमण भी करवाना चाहिए। अब मानी कि जैसे इतिहास पढ़ा रहे हैं तो जैसे उसमें पढ़ना रहता है कि जैसे मौर्य के बारे में, तो वहाँ का जैसे सांची का स्तूप है तो बहुत फेमस है अशोक का सांची का स्तूप, उसको बच्चों को ले जाकर दिखाना चाहिए। मेडिवल पढ़ा रहे हैं तो शाहजहाँ का जो दिल्ली का लाल किला है वहाँ जाके बच्चों को दिखाया। भूगोल भौगोलिक स्थिति भी कभी कभार बच्चों को घुमाना चाहिए जिससे पता चल पाए। तो ये क्या करे, ये सब किसका काम है, करिकुलम का काम है। अब आगे समझेंगे 5 पॉइंट, लास्ट हमारा पॉइंट है आर्थिक विविधता, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। यदि हम आर्थिक विविधता पर ध्यान दे तो भी पाठ्यचर्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास को शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। देखिए इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में है यदि हम आर्थिक विविधता पर ध्यान दें, यानी इकोनॉमिक डाइवर्सिटी पर भी ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि यदि हम आर्थिक विविधता पर भी ध्यान दें तो पाठ्यचर्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास को शिक्षा के द्वारा प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। देखिए हमारा जो करिकुलम कैसा होना चाहिए, आर्थिक विविधता को ध्यान में रख के बनाया जाना चाहिए, जिससे हमारा क्या हो, जिससे शिक्षा के द्वारा क्या हो, आर्थिक मतलब विकास में भी सहायता मिल पाए। पाठ्यचर्या में राष्ट्रीय आर्थिक विकास के को बढ़ाने वाली गतिविधियों का शामिल होना चाहिए। देखिए हमारे करिकुलम में ऐसा समावेशन होना चाहिए कि राष्ट्रीय जो आर्थिक विकास है उसका डेवलप कैसे होना चाहिए, इसका जिक्र होना चाहिए। आज प्रत्येक राष्ट्र अपने आप को विकसित देशों की पंक्ति में खड़ा करना चाहता है। देखिए इस बात से हम लोग अच्छी तरह अवगत है कि आज का जो हर एक देश है वो डेवलप करना चाहता है कि हम डेवलप हो जाए, विकसित कंट्री में चले जाए। चूँकि देखिए वहाँ पर आप पश्चिम में जाइए तो अमेरिका कितना डेवलप है, यूरोप डेवलप है, यहाँ पे पूरब में आइए तो जापान छोटा सा देश रहते हुए भी कितना डेवलप है, बांग्लादेश भी है। तो कहने का सेंस है ये सब देख के और सब भी जो देश हैं वो क्या करना चाहेंगे कि भाई हम भी उसी पंक्ति में जाके खड़ा हो जाए, कैसे हम अपने उद्योगों को बढ़ावा दें, कैसे मतलब अगर कृषि भूमि है तो उसका कैसे हम लोग सदुपयोग करें। इसके लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। इसके लिए क्या जरूरी है, आर्थिक विकास। अगर हमारा आर्थिक रूप से हम कमज़ोर है तो क्या हम कभी विकसित देशों की राष्ट्रों की मतलब पंक्ति में लग सकते हैं, नहीं। मतलब एक देश की अर्थव्यवस्था में सभी लोगों की समान रूप से आजीविका के साधन उपलब्ध हो। अच्छा बताइए अगर किसी देश में पूरा मतलब नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं तो क्या उसका आर्थिक विकास होगा, नहीं होगा। इसीलिए उस देश में क्या होना चाहिए, पूरा रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जॉब का होना चाहिए। अगर जो बिजनेस करने वाले हैं तो पर्याप्त फैक्ट्री होना चाहिए। आदि पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। और देश को भी और मतलब बिजनेसमैन को भी प्रोत्साहन देना चाहिए कि भाई मेरे देश में आइए, अपना फैक्ट्री लगाइए, जिससे क्या हो, जैसे भारत ही देश है, हम लोग यहाँ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे अगर इंडियन सरकार है और बिजनेसमैन जो भी है जाके चाइना में कहीं अपना फैक्ट्री ये करते हैं तो उनको कहना चाहिए कि भाई मेरे देश में आइए, कम ही टैक्स दीजिएगा, तो क्या होगा, वो आएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे देश के नवयुवक बेरोजगार नहीं रहेंगे, उन्हें जॉब मिलेगा तो भुखमरी नहीं रहेगी, तो हम भी क्या होंगे, आर्थिक रूप से जब हमारा विकास हो जाएगा तो हम भी विकसित देशों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो जाएंगे। अतः पाठ्यचर्या भी आर्थिक आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। तो करिकुलम भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को शुरू से उनके जहन में ऐसा दिमाग में बैठेगा जिसके आधार पर पूरी शिक्षा प्रणाली को प्रभावी एवं आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल बनाया जा सके, जिससे क्या होगा, हमारे जो टोटल शिक्षा प्रणाली है अनुकूल हो सकेगी और बच्चे भी आर्थिक डेवलपमेंट को समझ पाएंगे। पाठ्यचर्या द्वारा शिक्षा के व्यवसायीकरण आवश्यक है। और शिक्षा में देखिए करिकुलम द्वारा क्या करना चाहिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण भी करना चाहिए, यानी बच्चों को शिक्षा का भी नॉलेज हो, सत्य का भी ज्ञान हो और प्लस रोजगार का भी ज्ञान हो। अब केवल सत्य का ज्ञान होने से तो नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग का आज का ये टॉपिक फाइनल हो गया। तो आज का क्वेश्चन क्या था फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। आज का देखिए क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन था पाठ्यचर्या को विभिन्न निर्धारक एवं इसके महत्व का वर्णन करें। तो आज हम लोग बस इसके बारे पाठ्यचर्या के विभिन्न निर्धारक मतलब बारे में ही जिक्र किए हैं, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा
तो अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। यदि आपको नेक्स्ट वीडियो भी देखने को मतलब चाहिए कि हाँ भाई नोट्स बढ़िया है, पढ़ने से कुछ भी बेनिफिट होगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुँच पाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।